एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशी लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? अभी बज रहे हैं रात के 11 और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं रात के 11 बजे अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पता है क्यों? रीज़न ये था कि मेरा आज दिन मेरा बहुत हैक्टिक था। मुझे बहुत सारे बाहर के काम थे और जब मैं फ्री हुई शाम में जाके 6-7 बजे, मुझे लगा कि इतनी पजल चल रही थी ना सुबह से, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं, मैंने सोचा मैं क्या दिखाऊँ, इसको दिखाऊँ उसको दिखाऊँ, आप खुद पजल हो जाते। तो मैंने बोला चलो लेट मी सेटल डाउन, मैं सब चीज़ें सेटल डाउन करती हूँ तब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। सेटल डाउन होते होते शाम के 7 बज गए, तो मैंने बोला अब क्या, तो अब तो फिर तो स्नैक्स टाइम हो गया, सबका डिनर टाइम हो गया, तो मैंने बोला चलो अब इसको छोड़ो, सब चीज़ छोड़ते हैं और लास्टली हम क्या करें। मैंने किया डिनर वगैरह कराने के बाद, सबको सेटल डाउन करने के बाद, सबके सारा कुछ रूटीन वर्क होने के बाद मैं गई किचन में। किचन में जाके मैं आज मैं डिनर लंच ब्रेकफास्ट तो कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, बस एक मैं एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, शाही टुकड़ा। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल मेरी सिस्टर का बर्थडे है, तो मेरे हिसाब से 3-4 डेजर्ट होने चाहिए थे, ठीक है? तो एक दो डेजर्ट तो हम मार्केट से लेके आएंगे और एक हम कल मैं मॉर्निंग में बनाने वाली हूँ और एक मैं अभी बनाने वाली हूँ। मुझे लगा अगर मैं बहुत सारी चीज़ें मैं कल करूँगी ना, तो मुझे बिल्कुल भी मैं इन्जॉय नहीं कर पाऊँगी, शाम होते होते मैं पूरी थक जाऊँगी। और काफ़ी लोगों को पार्टीज है, गर्ल्स पार्टी है तो आने वाली है लड़कियाँ, यार ठीक है यार, अपन भी लड़कियाँ ही हैं अभी, तो हम मुझे भी इंजॉय तो करना ही था। मैंने बोला चलो ना, मेरा मेकअप फीका होना चाहिए, ना मेरे ड्रेस, ना मैं, ना कुछ। मुझे तो भाई हर टाइम में मुझे आदत हो गई है कि मुझे अच्छा करना है, ठीक है? ये मेरा माइंड सेट है। तो मैं चाहती तो कल भी कर सकती थी, लेकिन मुझे करना आज है। तो मैं शाही टुकड़ा मैं अभी बनाने वाली हूँ। मार्केट से बहुत सारे सामान हैं जो मैं लेके आई हूँ, मैं सेटल डाउन करूँगी। मुझे अपने हेयर ऑयलिंग करनी है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, मैं अपना हेयर ऑयलिंग करती हूँ। स्किन केयर अगर मैं करूँगी अभी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सारी चीज़ें मुझे विद इन ए आवर मुझे कंप्लीट करना है, मुझे 1 घंटे के अंदर मैं ये सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि अभी 11 बजे 12:30 बजे तक मुझे सब कुछ सेटल डाउन करके मुझे बेड पर जाना है, क्योंकि कल मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है, फिर मुझे कल मार्केट जाना है। मार्केट जा करके मुझे मेनली कल संडे है, तो संडे मार्केट यहाँ पे एक लगता है, तो वहाँ से मुझे मेनली फ्रूट्स लेके आने हैं, तो जो कि 8-10 दिन का हो जाएगा। वेदर भी थोड़ा अभी हो रहा है, तो बहुत सारा मुझे ना एक्चुअली जूस वगैरह बहुत लगता है, तो एक साथ मैं बहुत सारा फ्रूट्स लेके आने वाली हूँ। मुझे ट्रस्ट नहीं होता है यार, इतना सारा अगर मैं किसी औरत के हाथ से मंगवा लूँगी, अगर वो चीज़ें ख़राब निकली तो पूरा वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा, तो इसलिए वो छोड़ो। तो मैं अभी जो करने जा रही हूँ, मैं सब फटाफट से वो करती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ मुझे किचन में क्या क्या करना है। मैंने बर्तन वगैरह सब साइड किए, लेकिन गैस वगैरह नहीं क्लीन किया। चलिए मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने लिया है 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध को मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। इसको गर्म होगा फिर मैं और भी जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले मैं गैस क्लीन कर देती हूँ। इधर मैंने बोला अगर मैं गैस वगैरह पहले क्लीन करके बैठती ना, ब्लॉगिंग भी नहीं स्टार्ट हो पाती। समटाइम्स अच्छा लगता है ना, सब सो जाते हैं तो आप अपना काम करते हो, कोई नहीं, मैंने यही मेरा प्लान है। दूध को मुझे गाढ़ा करना है, अच्छा खासा गाढ़ा करना है। किचन तो ऑलमोस्ट मेरा क्लीन है, लेकिन कुछ चीजें उधर से एडजस्ट करनी है, मैं करूंगी अभी। बस ये चीजें हो गई, इसको मैं अच्छे से इसको खोलने देना है। इसको थोड़ा रबड़ी टाइप का होगा, यहाँ पे मैंने पूरा मिक्स फैला के रखा हुआ है। ये मुझे सारी चीजें फ्रिज में डालनी है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। एक्चुअली कैसा हुआ ना, मेरा वीक में संडे पड़ गया, तो मैंने अमेजोन डिलीवरी लेट हो गई, तो मेरी प्लानिंग लेट थी, कोई नहीं। तो ये मेरे कॉटन बॉल्स मुझे लगते हैं, ये देखिए मैं शाही टुकड़ा बनाऊंगी ब्रेड का। ये ब्रेड इसका मैं बनाने वाली हूँ, तो वो मुझे अभी लगेगा। इसमें मैं यूज करने वाली हूँ मिल्क मेड, जो मेरे पास नहीं था। मेड वगैरह ऐसा है ना, चीजें हमारे बहुत टाइमिंग हमारा कम कर देता है, तो मैं मिल्क मेड डालने वाली हूँ। गरम मसाले मेरे खत्म हो गए थे, ये थोड़ा सा गरम मसाला है, और ये तो बस वेजिटेबल्स हैं। ये मेरे मेनली ना कल के लिए मैं सामान जो लिए वो सारे हैं, चिकन मसाला वगैरह। चलो उसी में डाल देती हूँ अभी सब। किशमिश
मूंग दाल भुजिया मेरी मम्मी खाती है और राइस बिरयानी राइस इसमें डाल देते हैं। एक्चुअली मेरा ग्रॉसरी मंडे आने वाला है तो मेरा तो डिले हो गया संडे के कारण, तो मेरा बिरयानी राइस खत्म हो गया था। मैं 5 kg एक बार ले लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में बिरयानी सबको बहुत पसंद है, तो सबका और इवन मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स का भी डिमांड था, दीदी आपके हाथ का तो बिरयानी ही खाने वाले हैं हम लोग। सबने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, मैंने बोला चलो बिरयानी बनाएंगे हैं, तो मैं इनको अरेंज करके ऊपर कर देती हूँ। अब बच्चे मेरे फ्रूट्स और घर में आ गया 1.5 kg गलती से कच्चा केला, दो दो लोग लेके आ गए, एक इसमें और एक मैंने रखा है। मैं इतने सारे कच्चे केले का चिप्स बनाऊंगी, बस इतना ही सारा है। ये फुल क्रीम मिल्क है, इसको मैं अभी अच्छे से खोलाऊंगी और इसको बहुत अच्छे से खोलेगा ना रबड़ी जैसा बन जाएगा ये, उसके बाद मैं इसका शाही टुकड़ा बनाऊंगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए यहाँ पे इसको मैं गाढ़ा कर रही हूँ और इधर मैंने चाशनी चढ़ा बनाने के लिए चढ़ा दिया है पानी, 1 cup पानी है, एक से 1.5 cup पानी है। इसको मैं चाशनी बनाऊंगी और इसमें मैं अब ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। चलिए मैं इसकी तैयारी करती हूँ ड्राई फ्रूट्स की। इसमें मैं किशमिश, काजू और 3 इलायची डालूंगी। किशमिश तो वैसे ही जाएगा, काजू थोड़ा सा और 3 इलायची मैं कूट के रेडी कर लेती हूँ, दूध में गलेगा ये। शुगर सिरप बन रहा है, नॉर्मल सा बनेगा ये, तो ये बना रहे हैं, इसको थोड़ा खोलने देंगे। अब ये देखिए मेरा ये अच्छे से ड्राई फ्रूट डालने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल देंगे इसमें मिल्क मेड, तो चलिए फटाफट से इसमें मिल्क मेड डाल देते हैं। ये मिल्क मेड डालने से ना इसका टेस्ट और एकदम रबड़ी जैसा हो जाता है। कलर चेंज हो गया, अब इसमें हम थोड़ी देर में घोल के केसर डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालने के 5 मिनट बाद मैंने दूध को बंद कर दिया और यहाँ सिरप अभी भी गर्म हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे मैं देखती हूँ। ये तो अच्छे से कटा नहीं, इसके ब्रेड के चारों साइड्स को मेरे को निकाल देना है और इसको ट्रायंगुलर शेप में, जैसा हम सैंडविच जैसे ट्रायंगुलर शेप होता है वैसे मुझे इसको कर देना है। सारे ब्रेड को हम ऐसे ही कर देंगे। मैंने 2 तलवार एक साथ चढ़ा दिया है, मतलब कि मैंने पैन और तावा एक साथ चढ़ाया है इसलिए कि मेरा जल्दी जल्दी हो जाए, लेट बहुत हो गया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी। और ये देखिए मैंने इसको ट्रायंगुलर शेप में इसको ऐसे कट कट के रख दिया है। अब मैं इसमें पैन में डालूंगी घी, इसको एक्चुअली फ्राई करते हैं लेकिन मैं इसको फ्राई नहीं करूंगी, एक्चुअली फ्राई करने से बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मैं इसको नॉर्मली रोस्ट करूँगी, तो तावे पे रोस्ट करूँगी। दोनों में मैं सेम चीज़ें करूँगी तो फटाफट से हो जाएगा। एक तरफ मेरा सिरप बन गया है शुगर सिरप और एक तरफ मेरा यहाँ पे
मिल्क वाला भी बन गया है, तो चलिए मैं इसको ऐसे डालती हूँ। सेम फ्लेम पे आप इसको कीजिएगा, ये बहुत जल्दी बन जाएगा, टाइम नहीं लगता। और दूसरी तरफ हम ऐसे 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 घी लगाएंगे, तो इसके लिए मैं क्रिस्पी होने लगा है, बहुत मेहनत नहीं लगती है, फटाक से ये क्रिस्पी हो जाता है। और नॉन स्टिक पैन में आप करेंगे ना तो और भी अच्छा रहेगा, जैसे मैं कर रही हूँ नॉन स्टिक है। ये देखिए इसको क्रिस्पी दिख रहा है ना आपको, ऐसा करने से क्या होगा बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा, मेरा टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। मेरा अगर कोई और भी फ्राइंग पैन होता तो मैं उस पर भी चढ़ा देती। ब्रेड बहुत अच्छा तो नहीं है, आपको इससे भी अच्छा ब्रेड मिल जाए तो और भी अच्छा है, मुझे तो नहीं मिला। इसको मैं ऐसे ही पलट पलट के ऐसे करती रहूंगी। घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिल्क है, शुगर है, तो अगर आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ज़्यादा घी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं हेल्थ को देख के मैंने ऐसे किया है, वैसे डीप फ्राई करते हैं इसको, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। ये देखिए फुल क्रिस्पी हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी, देख रहे हैं ना कितना क्रिस्पी हो गया। देखिए मेरा टुकड़ा बन के रेडी है और मैं इसकी क्रिस्पी अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी हो गया है, फुल क्रिस्पी है, रेडी है। इसको साइड बनाना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, टुकड़े को ये जो चाशनी है ना, चाशनी मतलब क्या बोलते हैं, सिरफ, शुगर सिरफ, सिरफ इसमें मैं इसमें डिप करूँगी, नहीं बस थोड़ा सा और बस इसको सेट करेंगे ऐसे ऐसे करके। इसको बड़े बाउल में रखिएगा कि आप आराम से इसको ऐसे कर सकें। आराम आराम से मुझे करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, टाइम लीजिए फुल ऑन। अब ये शाही बनेगा, शाही की ही प्रोसेस में ये बहुत यमी लगता है, सच में आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं तो कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तो मैं ये ज़रूर से ज़रूर बनाती हूँ, मेरे घर वालों को मेरे हाथ के शाही टुकड़े बहुत पसंद है। हमें शाही टुकड़ों को ऐसे सजाना है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो मिल्क बना के रखा था मैंने, इसको मैंने अभी थोड़ा और गुनगुना कर दिया है, उसको मैं धीरे धीरे मैं देखिए कैसे डालती हूँ उसके ऊपर। देखिए मेरा शाही टुकड़ा रेडी है। बहुत यमी फिर अच्छे से बन गया। अब मैं इसको क्या करूंगी, 10 मिनट बाहर छोड़ दूंगी और पैन में रखूंगी 10 मिनट, और तब तक मैं अपनी ऑयलिंग वगैरह कर लेती हूँ, तब जाके मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। तो चलिए मैं इसको बाहर रख देती हूँ। शाही टुकड़ा बन गया, अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ ऑयल लेके। मैंने नॉर्मल कोकोनट ऑयल लिया है मैंने, तो मैंने नॉर्मल सा है, मैं इसको हेयर ऑयलिंग करूँगी, मेरी मेडिसिन है मैं पी लेती हूँ। मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया, शाही टुकड़ा तो बहुत ही अच्छा, एक्चुअली ये शाही टुकड़ा ना 35-40 मिनट्स में बन जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता है। तो मेरी ऑयलिंग ऑलमोस्ट हो गई,
आजकल मैं ना अपना मी टाइम ना रात में ही निकाल ले रही हूँ। मी टाइम बेस्ट है अपने लिए। 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, कुछ भी निकालो, और इससे क्या हो रहा है मैं देख रही हूँ, मैं मेरे काम पूरे अच्छे से हो जा रहे हैं। मेरे काम ही क्या रहते हैं, ऑयलिंग करनी है, कभी नेल पॉलिश रिमूव करना है, कभी नेल पॉलिश लगाना है, कभी मेडिसिन लेनी है, लेकिन अच्छा से हो जाता है, कभी कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। मेरा तो अच्छा खासा मी टाइम निकल रहा है, और आप लोगों ने निकाला कि नहीं अपने लिए मी टाइम? प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग योर टाइम। 24 घंटे में आप 10 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हो ना, तो निकालो फटाफट से अपने लिए टाइम, और फिर आप ये फीलिंग्स देखो कितना अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। रात में सब सो गए हैं और मैं अकेली बैठ के, हाँ समटाइम्स पता है क्या होता है, मैं खुद से बातें करती हूँ, चाहे सुबह हो दोपहर हो, मैं बहुत अभी भी, मैं बचपन में तो करती ही थी, मैं अभी भी खुद से बातें करती हूँ। समटाइम्स वो कहते हैं ना कि समटाइम्स यू नीड ए एक्सपर्ट एडवाइस, आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए, तो आप खुद से बातें कर लो, आपसे बड़ा एक्सपर्ट तो कोई हो नहीं सकता है। फिर आपसे मिलते हैं, बाय गुड नाइट, और मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय गुड नाइट। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल सुबह मिलते हैं, बाय।